शुरुआत एक अहम खबर के साथ, कांग्रेस को विधानसभा उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया जाएगा। यानी इस बार विधानसभा में अध्यक्ष के साथ साथ उपाध्यक्ष भी बीजेपी का ही होगा। और इसके पीछे जो तर्क दिया जा रहा है उसका में बीजेपी का यह कहना है कि दरअसल ये परंपरा कांग्रेस ने ही शुरू की थी। 28 दिसंबर से शुरू होने वाले सत्र में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है। इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार एमपी में थी तब बीजेपी को उपाध्यक्ष का पद नहीं दिया गया था। तब कांग्रेस सरकार में हिना कांवरे उपाध्यक्ष चुनी गई थी और अब बीजेपी उसी तर्ज पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद अपने पास रखने की बात कह रही है। हालांकि 2018 से पहले विपक्ष को उपाध्यक्ष का पद देने की परंपरा मध्य प्रदेश में रही है। सामान्य तौर पर जिस प्रकार की परंपरा कांग्रेस ने स्थापित की है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों कांग्रेस ने अपने पास रखे और जिस प्रकार का चुनाव भी कराने का उन्होंने कृत्य किया था वो सबके सामने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विरोध भी फ्लोर पे भी किया था, बाहर भी किया था। हमारा नेतृत्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश के हित में उचित निर्णय लेंगे। रजनीश अग्रवाल साहब प्रवक्ता हैं बीजेपी का, उनका बयान आपको सुनवाया। उनका कहना है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तब ये पद कांग्रेस ने अपने पास रखा। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध जताया था सदन के भीतर भी सदन के बाहर भी, लेकिन चूंकि कांग्रेस सत्ता में थी इसलिए उसने किसी की नहीं चलने दी। अब कांग्रेस की उस परंपरा को बीजेपी आगे बढ़ाने जा रही है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। जुगल, और क्या कुछ जानकारी आपके पास? विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होना है जब से विधानसभा का चुनाव होगा 28 दिसंबर को। लेकिन इसमें एक बात बहुत स्पष्ट हो गई कि बीजेपी ने तय कर लिया है कि जो उपाध्यक्ष परंपरा अनुसार विपक्ष को दिया जाता था वो इस बार नहीं देगी, क्योंकि पिछली बार 2018 में कांग्रेस की सरकार ने विपक्ष का पद, जो उपाध्यक्ष पद है वो विपक्ष को यानी बीजेपी को नहीं दिया था। हिना कांवरे विधानसभा उपाध्यक्ष बनी थी, बीजेपी ने भी तय किया है इस बार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर दोनों ही बीजेपी अपने पास रखेगी। अंक गणित के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये अंक गणित का बीजेपी अंक गणित का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के लिए मजबूत है, तो इस हिसाब से कांग्रेस विरोध जरूर करेगी, लेकिन ऐसी स्थिति की वो उपाध्यक्ष पद अपने पास हासिल कर ले अंक गणित से वो संभव नहीं दिख रहा है। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही इस बार बीजेपी का होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और बीजेपी जो तर्क इसके पीछे दे रही है वो ये कि जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की अब हम उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। अंक गणित में बीजेपी सदन के भीतर बहुत मजबूत स्थिति में है और जैसा कि जुगल कह रहे थे कि अगर चुनाव भी होता है तो फिर ये दोनों पद कांग्रेस किसी भी स्थिति में अपनी तरफ नहीं मोड़ सकती। यानी अंक गणित में भी बीजेपी मजबूत है और तर्क ये दिया जा रहा है कि जो परंपरा कांग्रेस ने शुरू की अब हम उसी को आगे बढ़ा